महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चांडाल योग पर जारी है। काफी एपिसोड हम इस पर निर्मित कर चुके हैं और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपकी भी जन्म पत्रिका मकर लग्न की है तो आप भी दिल थाम करके बैठिए और साथ ही अपने हाथों में थाम करके बैठिए अपनी जन्म पत्रिका। यदि उसमें गुरु और राहु की युति है तो वो किस भाव में क्या परिणाम देगी, इस रहस्य का हम आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये होती है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि उसमें गुरु और राहु की युति हो जाए तो एक ही बात की जाती है कि ये चांडाल योग है। यहां तक तो बात सही है, परंतु वो परिणाम भी एक जैसे ही देगी, ऐसा समझना, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, यदि आप भी अपना कोई कमेंट पूछना चाहते हैं तो उस कमेंट को लिखने से पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न की जन्म पत्रिका में चांडाल योग किस भाव में क्या परिणाम देगा, सकारात्मक या नकारात्मक, जान लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 10 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। गुरु और राहु की युति से चांडाल योग बनता है, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है। अब इस जन्म पत्रिका की यदि बात की जाए मकर लग्न की जन्म पत्रिका की, तो गुरु इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश और द्वादशेश, अर्थात तो दोनों ही जो भाव है, ना तो इनमें से कोई केंद्र है ना इनमें से कोई त्रिकोण है। इस कारण से तृतीयेश और द्वादशेश होने के कारण गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में हो गए एक मारक ग्रह, एक पाप प्रभाव देने वाले ग्रह। यही कारण है कि बनस्पत दूसरे लग्नों के मकर लग्न में चांडाल योग थोड़े ज्यादा नकारात्मक परिणाम देता है। इसकी शुरुआत हम करते हैं, जानते हैं लग्न से। यदि लग्न में ही गुरु और राहु की युति विराजमान है, गुरुदेव वैसे भी मारक हैं इस जन्म पत्रिका में और लग्न में मकर लग्न में वो आकर के हो गए नीच राशि के, ऐसा व्यक्ति जीवन भर, क्योंकि कर्म करने की आयु होती है जिसको हम मान लें कि 60 वर्ष, रिटायरमेंट की आयु भी यही होती है, तो वो 60 वर्ष की आयु तक स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता। लगा रहता है, वो लगातार कोशिशें भी करता है परंतु आर्थिक संबल उसको नहीं मिल पाता। नौकरी यदि ये करता है तो कई प्रकार की नौकरियां करता है, छोड़ता है फिर दूसरी नौकरी करता है, और व्यवसाय करता है तब भी ये कई प्रकार के व्यवसाय आजमाते हैं परंतु उसमें इनको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। राहु की दशा या अंतरदशा थोड़ा इनको यहां पर पॉजिटिव परिणाम देती हुई स्पष्ट रूप से नजर आती है, क्योंकि राहु यहां पर अपने मित्र की राशि में। जब जब राहु की दशा या अंतरदशा आएगी तब तब थोड़ा सा स्थायित्व आएगा परंतु उसके बाद में वापस वही स्थिति निर्मित हो जाएगी। साथियों, बात द्वितीय भाव की। यदि द्वितीय भाव जो कि धन या कुटुंब का भाव माना गया है, गुरु और राहु की यदि यहां पर युति है तो राहु यहां पर फिर अपनी मित्र राशि में है। इस कारण से ये व्यक्ति सदैव पॉजिटिव बना रहता है, इसकी ऑरा जो है वो सदैव पॉजिटिव होती है और ये केवल स्वयं तक नहीं, अपने आसपास रहने वाले, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सबको पॉजिटिविटी बांटता चलता है। आर्थिक उतार चढ़ाव जरूर इनके होता है,
और कई बार जब ये गुरु की दशा या अंतरदशा की यदि बात करें तो उस समय इनके व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन, वाणी में कर्कशता जरूर आ जाती है, परंतु ओवरऑल ये गुरु और राहु की यदि बहुत ज्यादा कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाती है। साथियों, बात तृतीय भाव की, जो कि पराक्रम, साहस, भाई बहनों का भाव माना गया है। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो ये व्यक्ति लगातार अपने मित्रों, अपने रिश्तेदार, लगातार पर मैं जोर देना चाहूंगा कि लगातार अपने मित्रों और रिश्तेदारों की मदद करते रहते हैं, परंतु ठीक इसके उलट जब इन्हें किसी सहायता की जरूरत पड़ती है तो ना तो इनके मित्र, ना रिश्तेदार और ना ही घर का कोई व्यक्ति इनके साथ में खड़ा रहता है। इनको अपनी समस्या के समय सदैव यह एहसास होता है कि मैं जीवन में अकेला पड़ गया हूं। साथियों, ये जिस किसी भी कार्य के पीछे पड़ जाते हैं उसको अंतिम प्रयास तक करते हैं, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और अपने माता पिता के द्वारा जो इनको सुसंस्कार दिए गए हैं उनको ये हमेशा अपने व्यक्तित्व में बनाए रखने का कार्य करते हैं। साथियों, यदि यही युति गुरु और राहु की चतुर्थ भाव में यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो यहां पर यह सिवाय नकारात्मक परिणाम के कुछ भी नहीं देगी। सीने में दर्द की समस्या, हृदय रोग से पीड़ित वो भी कम उम्र में, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और 48 वर्ष के बाद तो जैसे कि रोग सभी प्रकार के इन पर आक्रमण कर देते हैं एक प्रकार से। साथियों, बात पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में गुरु और राहु की ये युति मकर लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई हमेशा बीमारी बनी रहती है और इनकी जो पढ़ाई है उसमें भी बीमारी इनकी दुश्मन बन जाती है। कई बार ये बीमारी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते या हो सकता है परीक्षा न दे पाए, और पंचम भाव में ये युति इनको प्रेम में धोखा दिलवाने का कार्य भी करती है। इनकी मेमोरी लॉस बहुत जल्दी हो सकती है, चीजें ये रख करके भूल जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस में एक कमी ये अवश्य महसूस करते हैं। साथियों, बात छठे भाव की। यदि छठे भाव में राहु और गुरु की ये युति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत आसानी से कोई आकस्मिक धन प्राप्त कर लेता है और आप समझिए कि यदि कुपात्र को कुछ मिल जाए तब फिर वो अहंकारी बन जाता है। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता है, ये उस धन का अहंकार करने लगते हैं, परंतु वो धन इनके पास में ज्यादा से ज्यादा केवल 6 वर्ष तक रहता है और इसके बाद में इनको अपनी गलती का एहसास भी होता है। और हाँ, उस दौर में ये इतने अहंकारी हो जाते हैं कि इंसान को इंसान नहीं बल्कि कोई कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, अपने से बड़ों का भी अपमान करने से ये बिल्कुल नहीं चूकते। साथियों, बात दाम्पत्य जीवन की। यदि यही युति गुरु और राहु की सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में कभी कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन की जो पार्टनरशिप है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें इनको बिना कुंडली मिलाए कभी विवाह नहीं करना है। सप्तम भाव से हम जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनरशिप इन दोनों को देखते हैं। उच्च का यहां पर गुरु जरूर है, परंतु उच्च का होकर के वो अच्छे परिणाम इसलिए नहीं देगा क्योंकि इस जन्म पत्रिका में वो एक मारक ग्रह है। ये अपने जीवन साथी पर अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जीवन साथी इनका साथी नहीं बल्कि इनका एक खरीदा गया गुलाम है और इस प्रवृत्ति के कारण ये खुद अपने हाथों से अपना दाम्पत्य जीवन संकट में डाल देते हैं। साथियों, बात अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 20 वर्ष की आयु से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक लगातार दुर्घटनाएं छोटी या बड़ी बनी ही रहती हैं, परंतु ये बहुत पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं। दूसरों को जब भी संकट का सामना करना होता है तब ये मैं हूं ना इस भूमिका में आ जाते हैं, किसी को भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते। ये बात अलग है कि इनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा बीमारी में, अस्पतालों पर, डॉक्टर पर खर्च होता है। साथियों, यदि यही युति नवम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। पिता से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है।
यदि ये विदेश जाने का प्रयास करते हैं तो विदेश में कोई इनके साथ में बड़ा झगड़ा हो जाता है, अपना जो समय है वो व्यर्थ जाकर ये गंवाने में अपनी तरफ से तो कोई कमी रखते नहीं है, और जब समय वो बीत जाता है तब जाकर के इनको ये एहसास होता है कि जीवन का स्वर्णिम काल जो मुझे खून पसीना एक करने में लगाना चाहिए था, मैंने उसको गलत संगत की बलि चढ़ा दिया। साथियों, ये न केवल स्वयं का बल्कि दूसरों के धन का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। अर्थात ये किसी अपने मित्र को, रिश्तेदार को सलाह देंगे कि आइए अपन मिलकर व्यवहार करते हैं, या आइए मैं आपका पैसा एक अच्छी जगह पर निवेश कर देता हूं, परंतु वहां पर मिलना कुछ भी नहीं है, केवल खोना ही खोना है। साथियों, बात दशम भाव जो कि एक कर्म भाव है, यदि यहां पर राहु और गुरु की युति विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को काम बहुत मिलेगा, वो ना भी चाहेगा तो भी उसको काम मिलता रहेगा, परंतु ये किसी भी काम में इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के कार्य नहीं करते। नियमित दिनचर्या क्या होती है ये उसमें समझते ही नहीं, अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आते नहीं, ना अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, और फिर वही बात कि जब समय गुजर जाता है तब सिवाय पछतावे के और इनके पास कुछ भी नहीं बचता। साथियों, बात 11वें भाव लाभ भाव की। यहां पर आप देख रहे हैं कि राहु देव नीच राशि के होकर के विराजमान हो गए हैं, ये डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं परंतु जो ये डिजर्व करते हैं वो इनको मिल नहीं पाता और इनका जीवन एक संघर्ष बन करके रह जाता है। सारे कार्य इनके जिसके पीछे ये लग जाए वो 99.9% तक आ करके फिर इनकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। सहनशीलता इनकी बहुत ही कम होती है, कोई इनको जरा सा छेड़ दे और फिर आप देखिए कि कैसे इनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। साथियों, गुरु और राहु की ये युति यदि द्वादश भाव में 12th हाउस में विराजमान है तो यहां पर वो पॉजिटिव परिणाम इनको देगी। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व क्षमता का धनी होता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर जबरदस्त होती है, भाग्य इनका सदैव साथ देता है, चाहे ये कितनी ही बड़ी रिस्क ले ले इसमें इनको फायदा अवश्य ही मिलता है। और सरकार की जहां तक बात है तो राजयोग भी यहां पर निर्मित हो रहा है, टाइम टू टाइम ये प्रमोशन भी प्राप्त करते हैं और चुनावी राजनीति में भी अपना परचम अवश्य लहराते हैं। तो साथियों, हमने आज बात की मकर लग्न की, मकर लग्न के विभिन्न भावों में चांडाल योग क्या परिणाम देता है, आगे भी हम कुंभ और मीन लग्न की चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ में अवश्य ही उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दिलीप कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बिहार से। आप बिहार की पुलिस सर्विसेज में हैं और आपने पूछा है कि कब आपकी पदोन्नति होगी। दिलीप कुमार जी, मई 2022 अर्थात अगले वर्ष 100% आपकी पदोन्नति अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये पदोन्नति पहले हो जानी चाहिए थी, मुझे ये नहीं पता कि आपने कौन कौन से उपाय किए या नहीं किए, परंतु अब यदि आप निश्चित तौर पर पदोन्नति चाहते हैं तो गौ सेवा अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, चर्चा की चांडाल योग की। मकर लग्न में तृतीयेश कौन से ग्रह बनते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।